गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप हैं मेरे चैनल पर नए, फर्स्ट टाइम आप ये देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि डेली कुछ नया कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है। बाकी कल हमने इस बाइक की डिलीवरी ली थी होंडा CB 200X, जो ये फर्स्ट डिलीवरी थी इंडिया में, कल 5 सितंबर को। और आज है 6 सितंबर 2021, मंडे का दिन है और आज है मेरी बाइक का सेकंड डे। तो अभी आप सबसे पहला रिव्यू, जो स्मूथ रिव्यू देख सकते हो ना, मैं पहले तो जा रहा हूँ पेट्रोल पंप, अभी इसको टैंक फुल करवाना है और उसके बाद अपनी बाइक रेडी हो जाएगी कहीं भी घूमने के लिए। तो सबसे पहला रिव्यू तो आप यही देख लो दोस्तों। बाइक का आपको दिख रहा होगा, 4th गियर पर बाइक है और किलोमीटर देख रहे हो, स्पीड देखो कितना स्मूथली इस लो स्पीड पर भी बाइक परफॉर्म कर रही है, कोई नॉकिंग साउंड या कुछ नहीं है। मतलब होंडा ने इस इंजन को इतना रिफ़ाइन किया है अब की बार। कहा जाता है कि ये हॉर्नेट 2.0 से ही इंजन लिया हुआ इंजन है, पर आप जब इसे राइड करेंगे तो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस बाइक पर बैठते यही फील होगा कि ये नॉर्मल हॉर्नेट 2.0 का इंजन नहीं है। दिस इज़ वेरी 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 मच रिफाइंड इंजन। और अभी हम टैंक फुल कराते हैं, देखते हैं। मैं इसमें पावर डलवाऊंगा, मैं हमेशा प्रीमियम पेट्रोल डलवाता हूं, तो पावर ठीक है। तो अभी इसमें टैंक फुल करा लेते हैं हम। पावर चल रहा है इधर, करो टैंक फुल। कार्ड पेमेंट। सो टैंक हो चुका है फुल। अभी इसमें मैंने कल टॉपअप करवाया था थोड़ा सा, 200 रुपीज़ का पेट्रोल, और अभी फिर टैंक फुल करवा लिया है। तो सिर्फ इसमें 11 लीटर अभी डलवाया है और टैंक ऊपर तक फुल था। बाकी सबसे अगेन आप देख सकते हो बाइक 5th गियर में है और विदाउट एनी नॉकिंग साउंड, आराम से 30-20 की, मतलब 25 के अब तो ना बहुत स्मूथली चलती है ये। और बट मैं यहाँ निकाल लेता हूँ क्योंकि इतना भी टेस्ट करना ज़्यादा नहीं है, और इंस्ट्रक्शंस मिले हैं अभी इसको ज़्यादा स्पीड पर नहीं चलाना। बट मैं कोशिश करूँगा इसकी जल्दी से सर्विस कराने की, जल्दी इसके किलोमीटर्स पूरे करके फर्स्ट सर्विस करवाने की। आप देख सकते हो अभी मैं कल शोरूम से घर लाया था बाइक, और बाइक को प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन वगैरह किया गया था मुझे डिलीवरी देने से पहले। तो ये सारा जो प्रोसेस था उसमें घर लाने तक बाइक 32 किलोमीटर अभी तक हो चुकी है टोटल। घर से यहाँ पेट्रोल पम्प मेरा करीब 3 किलोमीटर्स दूर है। तो यहाँ तक तो अभी आप देख ही चुके हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आज मुझे बाइक को लिए हुए हो गए हैं पूरे 7-8 डेज़। मैंने बाइक ली थी 5th को और आज है 14 सितंबर। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने पेट्रोल जब फुल कराया था, पेट्रोल फुल होने के बाद अब ये खाली हो चुका है पूरा, और ये ब्लिंक कर रहा है फ्यूल इंडिकेटर। टोटल मैं इस बाइक को अभी तक चला चुका हूँ 532 किलोमीटर्स। जब बाइक मेरे घर आई थी और मैंने घर से वापस आने के बाद पेट्रोल डलवाया था, तब अराउंड 21 या 28 किलोमीटर्स थे, जो आपको वीडियो में पहले दिख गया होगा। तो ये आप देखो टोटल 533 किलोमीटर्स तो यहाँ ट्रिप में चल चुके हैं अभी। और अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये जो टोटल फ्यूल था ना, इसमें ये 533 किलोमीटर्स, तो अभी हम ये करने वाले हैं कि हम करवाएंगे पेट्रोल का टॉपअप। तो जहाँ पे मशीन ऑटोमेटिकली बंद होगी, उस जितना फ्यूल इसमें आएगा उस फ्यूल से हम डिवाइड करेंगे हमारे टोटल किलोमीटर्स को। तो अभी हम पेट्रोल पंप बस पहुँचने वाले हैं। मैंने अच्छा खासा इसे यूज़ किया सिटी ट्रैफिक में भी, कहीं कहीं मैंने स्पीड अप भी करके देखा इसे। तो मतलब एक एवरेज रिव्यू प्रॉपर आ जाएगा आपकी बाइक कितना एवरेज तो दे ही देगी। अगर मैं सिर्फ 45 से 50 जो इकोनॉमी स्पीड बोला जाता है, अगर मैं उस पर चलाऊँगा तो बेस्ट माइलेज देगी। पर अभी के लिए अगर देखा जाए तो अभी के लिए हम ये कर सकते हैं कि बेस्ट स्पीड जो होती है वो हम सिटी में कभी कहीं हम तेज़ भी चलाते हैं, कहीं हम स्लो भी चलाते हैं। इसके अलावा रेड लाइट्स बहुत मिलती हैं, ट्रैफिक वाली जगह मिलती हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जो एक एवरेज होता है ना प्रॉपर, वो ज़्यादा बेटर है। इकोनॉमी स्पीड पर तो कोई भी गाड़ी बेस्ट एवरेज दे ही देगी। तो यहाँ मेरे यहाँ लेफ़्ट में अभी पेट्रोल पम्प है और अभी चलते हैं पेट्रोल पम्प और देखते हैं इसमें कितना फ्यूल आता है। बाकी मैं इसमें हमेशा फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है और मैं अपनी प्रीवियस हॉर्नेट में भी मैं अपनी बाइक्स में हमेशा प्रीमियम पेट्रोल डलवाता हूँ। वो थोड़ा रिफाइंड होता है एंड आपकी को बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो चलिए कराते हैं चेकअप, रिफिल। भैया पावर पावर है, एक सेकेंड, फुल करना है, कार्ड पेमेंट है। गाड़ी देख कर बुराई में पावर मांगेंगे। हाँ? गाड़ी देख कर बुराई में पावर मांगेंगे। जहाँ बंद हो जाए ना वहीं रोक देना अपने आप। तो दोस्तों यहाँ आप देख लो, अभी हम टैंक फुल करा रहे हैं। तो दोस्तों अभी इसमें आया है 10.16 लीटर। तो ये आप देख सकते हो, जहाँ ये टिक टच हुआ वहाँ ये बंद हो गया था। 10.16 किलोमीटर, सॉरी 10.16 लीटर पेट्रोल इसमें आ चुका है। यहाँ आप एक बार देख लो 10.16। तो देखते हैं 533 किलोमीटर्स माइनस जो हमारे 28 किलोमीटर्स थे, तो आते हैं 505 किलोमीटर्स। तो दोस्तों आप ये देखो, अभी 533 किलोमीटर्स मेरी बाइक टोटल चल चुकी है और इसमें पहले के थे 28 किलोमीटर्स जब मैंने पेट्रोल फुल करवाया था। तो 28 किलोमीटर्स, 505 किलोमीटर्स मेरी बाइक अभी टोटल पिछले फ्यूल से चल चुकी है और अभी इसमें आया है 10.16 किलोमीटर्स। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 10.16 से। 10.16 था और ये हमारी बाइक की माइलेज आई है 49.7। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इसे अच्छी इकोनॉमी स्पीड पर, जैसे मैंने मैक्सिमम इसको 60 to 70 चलाया था, कुछ जगह मैंने स्पीड अप किया था, ट्रैफिक में भी चलाया था, और इन सब का ध्यान देते हुए इसकी जो एवरेज आई है, इस पूरा एक जो हमारा एवरेज सिटी रूटीन होता है ना सिटी में, तो अब आपको अंदाज़ा तो लग ही चुका है कि ये, मैं एक बार यहाँ फिर से देख लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो अंदाज़ा है, मतलब आपको बाइक, मैंने कहा था कि 45 प्लस होंडा की बाइक है, 45 प्लस माइलेज बहुत आराम से देगी अगर आप थोड़ा मैनेज करके चलाते हैं और अगर सही गियर रेशियो में चलाते हैं। तो 184 सीसी बाइक है एंड इतने अच्छी पावर फिगर वगैरह सब कुछ अच्छा है, सिटी में क्रूजिंग बहुत अच्छी है। थोड़ा सा बस आप अच्छी अच्छी हैंडलिंग करेंगे, इसकी अच्छी स्पीड पर चलाएंगे तो आप इसकी आराम से अच्छी माइलेज मिल सकती है। बाकी देखो 49.7 की माइलेज, थोड़ा सा रह गया 50 की माइलेज हो सकती है। मीन्स अगर आप हाईवेज़ पर जा रहे हैं ना और आप हाईवेज़ पर 70-80 की स्पीड पर क्रूज़ करते हुए जाएंगे। अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं और 70-80 की स्पीड पर या 90 तक की स्पीड पर क्रूज़ करेंगे तो भी उस कंडीशन में आपको 45 प्लस की माइलेज बहुत आराम से मिल जाएगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये माइलेज टेस्ट वीडियो। बाकी आफ्टर फर्स्ट सर्विस भी मैं इसको टेस्ट करूँगा। वैसे मैं हमेशा माइलेज टेस्ट करता रहता हूँ फ्यूल टॉपअप के साथ में, तो रैंडमली मैं एवरेज अपने पोस्ट कर दूँगा जब भी अगर डिमांड आती है कि बाद में चाहिए। तो अभी तो आई गेस मैंने ही सबसे ज़्यादा इसको चलाया है, 533 किलोमीटर्स इतने कम टाइम के अंदर। और जल्दी ही मैं कराने वाला हूँ इसकी फ़र्स्ट सर्विस। ये 534 किलोमीटर हो गया, आज मैं इसको अप्रॉक्स 600 पूरा कर दूँगा एंड इसी के साथ इसके 750 किलोमीटर्स जल्दी करके हम इसकी फ़र्स्ट सर्विस भी करवाएंगे। और उसके बाद मैं आपको दूंगा इसका फ़र्स्ट सर्विस रिव्यू कि फ़र्स्ट सर्विस में इसमें क्या क्या हुआ। जनरली पहले ही बता देता हूँ, फ़र्स्ट सर्विस में तो जनरल चीज़ें ही होती हैं, जनरल चेकअप, थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशंस वगैरह और ऑयल रिप्लेसमेंट। जो इसमें मिनरल ऑयल होता है उसको रिप्लेस करेंगे। तो आई विल प्रेफर कि मैं इसमें सिंथेटिक ऑयल डलवाऊँ, बट उनकी क्या रिकमेंडेशंस है वो मैं एक बार चेक कर लूँगा। तो आज के लिए वीडियो व्लॉग को क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपनी क्वेरीज़ मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल आपको मेरा दिख रहा होगा, JS Extreme। और जाते जाते अगर आप चैनल पर सब नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। टिल देन जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग JS Extreme।